हे कॉमरेड, ट्रिपल आर आने के बाद नॉर्थ इंडिया में रामचरण की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग बन चुकी है। और गाइज आप सभी जानते हैं कि अब जो है रामचरण की जो फैन फॉलोइंग है नॉर्थ इंडिया में इतनी बन चुकी है तो उनके फैंस को उनकी नेक्स्ट हिंदी मूवी का वेट जरूर है। और वैसे अभी रामचरण की जो मूवी है आचार्य वो तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है तो उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि क्या ये मूवी हिंदी में भी रिलीज होगी या नहीं। तो गाइज इसी से रिलेटेड मैं आज एक जानकारी लेकर आई हूँ। गाइज इस मूवी में रामचरण के साथ नजर आने वाले हैं उनके पिता श्री मेगा स्टार चिरंजीवी और वही इस मूवी में पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली है। और इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है कोटाला सिवा ने। तो वही गाइज ये मूवी 29 अप्रैल यानी कि ईद के मौके पर रिलीज की जा रही है और इस मूवी का बजट लगभग 140 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो गाइज अगर बात करें इस मूवी की हिंदी रिलीज अपडेट की तो गाइज आप लोगों को याद होगा 6 से 7 महीने पहले इस मूवी का एक हिंदी पोस्टर रिलीज किया गया था जहां पे पिन मूवीज इस फिल्म को हिंदी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते नजर आ रही थी। उसके बाद इसकी हिंदी रिलीज का कोई भी अपडेट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं फैन इस वजह से कंफ्यूज है कि ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी भी या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस फिल्म के हीरो रामचरण ने हाल ही में इससे रिलेटेड एक अपडेट दी है कि ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आचार्य मूवी हिंदी मार्केट में 100% रिलीज होगी लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जहाँ ये मूवी तेलुगु में ईद पर रिलीज हो रही है लेकिन इस मूवी को हिंदी मार्केट में थोड़े दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद रिलीज किया जाएगा। इस न्यूज को खुद रामचरण ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कहा है। तो जो लोग रामचरण और मेगा स्टार चिरंजीव के फैंस हैं और उनको अगर आचार्य मूवी का हिंदी डब में बैठे तो गाइज आप लोगों के लिए इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस मूवी के हिंदी डब की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि ये मूवी किस तारीख को रिलीज होगी। तो अगर आप लोगों को इस मूवी का वेट है तो गाइज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि इस मूवी की हिंदी रिलीज की डेट जैसे ही आएगी वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।